भागलपुर के किला घाट स्थित जमुनिया नदी के पार को मिट्टी देकर बंद किया जा रहा है। जिले में एक तरफ जहां सरकार करोड़ों की राशि भी खर्च करके तालाब खुदवा रही है जिससे पानी का जलस्तर ठीक रह सके और पानी की कोई समस्या न हो, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया नदी की धारा को ही भर रहे हैं। जब देर रात जाँच टीम थाना के पास पहुँची तब वहाँ पर जेसीबी से मिट्टी को नदी की धारा में डाला जा रहा था। वहीं दिन के समय भी यहां पर ट्रैक्टर में मिट्टी लाकर धारा को भरने का काम किया जा रहा था, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। इस मसले पर आसपास के लोग भूमाफियाओं के डर से कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, जबकि जमुनिया नदी के धार को भरने का काम कर रहे युवकों का कहना है कि यहां पर गुजरात की कंपनी जो सड़क निर्माण का काम कर रही है उसके तोड़े गए अवशेषों के साथ मिट्टी को धारा में भरा जा रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। गुजरात की कंपनी है, रोड तोड़ रहे थे, इसको कहीं फेंकना था राबिस, तो हम लोग सोचे क्यों नहीं अपना नदी में गिरा ले ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा हो जाए। नदी में ये जमुनिया नदी है, इसको पार करने में चचरी पुल बनाना पड़ता है, वो टूट जाता है बार बार। अगर इससे हो जाए सरकार से हेल्प आप हमरा देकर अगर पुल बना दे, सरकार तो सुनती नहीं है। कितना बार भी आवेदन दिए, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए, लेकिन पुल के लिए कोई अथी नहीं है। इसलिए हम लोग सोचे कि है ना भरवा के ही पुल बना दिया जाए, जमुनिया नदी को भरवा के आप लोग हाँ करवाना चाहते हैं। ये तो इसके बगल में गंगा नदी भी है। हाँ, इससे 5-6 किलोमीटर दूर गंगा नदी है, बरसात में दोनों मिल जाता है। हाँ, दोनों मिल जाते बरसात में। तो इसको जो आप लोग यहाँ से वहाँ जमुनिया नदी का बना दीजिएगा तो वो आप लोग आने जाने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप जानते होंगे गाँव में आग लगी, उससे क्या हुआ कि है ना बड़ी गरी जान नहीं पाई, और अगर बन जाएगा तो बड़ी गरी थोड़ा चल जाएगी। अग्निशमन पुल बनना चाहिए, लेकिन इसको नदी को बंद करके आप लोग बना रहे हैं। नदी को बंद तो नहीं करना चाहेंगे, जब तक है ना अपना डीएम साहब से आदेश नहीं हो जाए कि बड़े भमरा नहीं तो, लेकिन जब भरेंगे ना वो जब तक ने वहाँ से आदेश हो गया पूरा नहीं भरेंगे। लेकिन अभी भरा जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी भरा जा रहा है ताकि किनार तक ले जाए, उसके बाद जो आदेश लिया जाएगा, हमरा जब तक न दे तो पूरा नहीं भर सकते। वहीं दूसरी तरफ वहां से गुजर रहे एक युवक का कहना है कि नदी की धारा को भरा जा रहा है, इससे पानी की समस्या नहीं होगी। इसमें मट्टी भरा तो का है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। घर उर बनेगा क्या? घाट में बिहार में घर नहीं बनेगा, ये नहीं कह सकते हैं। भर रहा पानी का दिक्कत होगा कि नहीं? पानी दिक्कत होगा, नहीं होगा तो कौन भर रहा है इसे? ये नगर निगम सुनने भर रहा है। नगर निगम? हाँ, नगर निगम का ही मिट्टी सब है थोड़ा हुआ। हमको इतना पता ना है, बोल रहा है कि नगर निगम का है, ये तो भरेगा तो बोल रहा है यहाँ वहाँ तक भर के जाएगा, पास हटाएगा। पानी का दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं होगा। इस मसले पर जब जिलाधिकारी को नदी के धार भरे जाने का वीडियो दिखाया गया तब उन्होंने अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को इसकी जांच के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी इस सूचना का जो है हम लोग सत्यापन कराएंगे, और अगर ये सही पाई जाएगी तो हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे जो अनाधिकृत रूप से एक नदी की धारा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मेरे स्तर से अविलंब जो है वो कठोर कार्रवाई करने के। इस मामले को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले एक माह से यहाँ पर नदी भरने का काम किया जा रहा है, इसके बावजूद भी आज तक जिला प्रशासन को इसकी सूचना क्यों नहीं मिली? वहीं दूसरी तरफ लगातार इलाके में गश्ती करने वाली पुलिस को भी इसकी सूचना क्यों नहीं मिली? पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार की रिपोर्ट।